नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और थानों में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की कांग्रेस की मांग भी अनसुनी रह गई। और इस बीच पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी के जवाब में खड़गे ने 5 पन्नों की जवाबी चिट्ठी लिख दी, लेकिन इसमें भी राहुल गांधी को आतंकी कहने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं है। बल्कि जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पुराने बयानों का हवाला देकर कांग्रेस पर ही इस सिलसिले को शुरू करने का इल्जाम लगा दिया। संकेत यही है कि राहुल गांधी के खिलाफ नफरती जुबान पर शायद ही लगाम लगेगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। That the Constitution of India should be defended. Most of us agree on the idea of the caste census. We agree that two business people, namely Mr. Adani and Mr. Ambani, shouldn't run every single business in India. Rahul Gandhi, baaj aaja, nahi te aane wale time hi, tera bhi wo haal hoega Rahul Gandhi, jo tere dadi ka haal hai. Jo desh ke sabse bade wanted hain. जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। माझा आवाहन है की राहुल गांधी जी जो जीप छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। जिसने भारत को जोड़ने की खातिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल नाप दिया, जिसने हिंदुस्तान की गली गली में मोहब्बत की दुकान खोली, जिसने गरीबों और मजदूरों के हक की आवाज उठाई, जिसने संविधान और आरक्षण की रक्षा का संकल्प लिया, लोकसभा के चुनावों में जनता ने भी उस शख्स पर भरपूर प्यार लौटाया और जनादेश में उस शख्स पर भरोसे की पुष्टि भी हो गई। राहुल गांधी को नेता विपक्ष की कुर्सी भी मिल गई, लेकिन शायद राहुल की यही कामयाबी उनकी दुश्मन बन गई। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता उनके सियासी विरोधियों को शूल बन गई। सरकार और सत्ताधारी दल के लोग राहुल पर हमले का बहाना ढूंढने लगे और जैसे ही राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा शुरू हुई, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता राहुल गांधी के खिलाफ जहर बयानी करने लगे। किसी ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी कहा, किसी ने उनके जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम घोषित किया, तो किसी ने कहा जीभ काटो नहीं तो दाग दो। बीजेपी के एक नेता ने तो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भी दे दी। कांग्रेस सड़कों पर उतरी, पुलिस स्टेशन पर शिकायतें हुई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सत्ताधारी खेमे की जहर बयानी बंद होने की जगह और बेलगाम हो गई। अब कांग्रेस पूछ रही है कि अगर ये नेता राहुल गांधी के खिलाफ सरकार के इशारे पर नहीं बोल रहे तो फिर इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। राहुल गांधी जी की जुबान से आपको इतनी तकलीफ हो गई है क्योंकि राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समान अधिकार की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की, नौजवानों की नौकरी की, पहलवानों के सम्मान की और किसानों के एमएसपी की। इसीलिए राहुल गांधी का बोलना आपको बहुत खटक रहा है। अपने बदतमीज बदजुमान नेताओं पर जरा काबू पाइए। कांग्रेस पार्टी की खामोशी को कमजोरी मत समझिए। एक गांधी और देश के सद्भाव की लड़ाई लड़ रहा है, देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और वो भी निर्भीकता से, उसे भी धमकियां दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में ये वैमनस्य राहुल गांधी के खिलाफ फैलाया जा रहा है तो मुझे फिर आपसे कोई उम्मीद नहीं, मगर आप संविधान की शपथ खाकर संवैधानिक मर्यादाओं का मान रखते हैं तो इन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई। जान से मारने की धमकी जो श्री राहुल गांधी जी को दी जा रही है, जीप जला देने की धमकी जो श्री राहुल गांधी जी को दी जा रही है,
जीप काटने की धमकी राहुल गांधी जी को दी जा रही है और उनको आतंकी नंबर एक भी कहा जा रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी मौन है और अमित शाह जी से अगर आप सवाल पूछें, देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो कहते हैं नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का मौन समर्थन है इन सारी धमकियों को? और ऐसा ही क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग क्यों धमकी दे रहे हैं? लोकतंत्र और संविधान का राज खतरे में है। लोगों द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा लीडर ऑफ पीपल राहुल गांधी जी को ओपनली बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के साथियों ने, एमएलए एमपी और उनके साथियों ने जिस तरह से तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, उनको ओपनली जान से मारने की थ्रेट दिया जा रहा है, ये सरकार को, संविधान को, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को ये शर्मसार करने की घटना है। राहुल गांधी के खिलाफ नफरती और भड़काऊ बयानबाजी के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल दागा था, रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठी थी, राहुल के खिलाफ जहर बयानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई थी, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से राहुल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी बढ़ती चली गई। सवाल है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग खुद ही नेता विपक्ष को उनके पद की गरिमा समझाते हैं तो फिर सत्ताधारी खेमे के नेता ही इस पद की गरिमा को क्यों नहीं समझ पाते हैं? राहुल गांधी से डरे हुए, डर के मारे बीजेपी ऐसी बयानबाजी कर रही है। मैं बीजेपी के नेताओं को और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऐसे बयानबाजी करने वालों को, विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी देने वालों के साथ है। अगर साथ नहीं है, लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग जो करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं की जहरीली जबान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 5 पन्ने की जवाबी चिट्ठी में बस जुबानी करने वाले अपने नेताओं पर एक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। उल्टे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पुराने बयानों का जिक्र कर कांग्रेस को ही कसूरवार ठहरा दिया। रेल राज्य मंत्री भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर एक आतंकवादी कह रहे हैं, इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। नवनीत बिट्टू ने जो भी कमेंट किया है राहुल गांधी के ऊपर 200% सही है। कोई देशभक्त देश के बाहर जाकर के देश को गाली नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। बिट्टू को बिहार कांग्रेस मांग करती है कि उनको तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा कराना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, अगर उनके इशारे पर वो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि हम लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है, कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और देश से बिट्टू को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी पर ये आरोप वापस लेना चाहिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये 4ों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होंगे। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बातें बोली गई
वो मैं समझता हूँ इस बात को दिखलाता है कि बीजेपी पूरी तरह बौखला चुकी है। क्या क्या बोला जा रहा है इसका कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता था हम लोगों को। जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनकी जुबान काटने पर इनाम दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। उस व्यक्ति को जिसके परिवार ने इस देश को एकजुट रखने के लिए शहादत दी है, इंदिरा जी राजीव जी ने, उस व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे, और कौन बोल रहा है? भारत सरकार के एक मंत्री बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और भारत सरकार उस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं, क्योंकि अब तक खंडन नहीं किया है और ना को कार्रवाई करी है। नेता प्रतिपक्ष पर जिस प्रकार के टिप्पणी आ रही है, कोई नेता कह रहा बीजेपी का, इनका हर्ष हुआ होगा, इनकी दादी का हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीति में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। वो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि मेरा उनका मेरा कोई से कोई नफरत नहीं है, और दूसरी तरफ जो नफरत फैला रहे हैं, हिंसा का माहौल बना रहे हैं, तब भी ये बीजेपी के नेता मौन धारण किए हुए हैं, ये क्या इंगित करता है? भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है। वो बखलाए हुए हैं, थोड़ा सा परत हटा और उसके सामंती चेहरा, असली चेहरा उनका सामने आ गया है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से इतने भयभीत हैं कि केंद्र में के एक मंत्री वो खुले आम राहुल गांधी जी को आतंकी कह रहे हैं। ये इतनी बातें कह रहे हैं, ये सीधा सीधा उनका जो असली चेहरा है वो सामने आया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को टेररिस्ट कह सकता है और शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री अमित शाह जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब गडकरी जी, ये चुप रहे। नड्डा जी वो मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो चुप रहे, अर्थात वो भी हां कह रहे हैं इस बात में। तो इससे बड़े शर्म की बात देश के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। और कई प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। मैं समझता हूं कि ये उचित एक समय है जब इस मुद्दे पे सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर और कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए। राहुल गांधी ने देश में दो यात्राएं की, दोनों यात्राओं में उनका एक ही नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जनता ने राहुल के नारे को दिल में बसा लिया, मोहब्बत को नफरत से लड़ने का हथियार बना लिया। लेकिन शायद कुछ लोग अब भी शेष रह गए जिन्हें मोहब्बत पसंद नहीं आई, वरना जनता की बात करने वाले कोई जान से मारने की बात कैसे करता? बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने की बात करने वालों को कोई आतंकवादी कैसे कहता? हर किसी को गले लगाने वाले को कोई रास्ते से हटाने की बात कैसे करता? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला कर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडे माफिया सरकार चलाते थे। योगी आदित्यनाथ ने तो समाजवादी पार्टी की तुलना कुत्ते की दुम से कर दी। सीएम योगी के इस बयान के साथ ही यूपी में एक बार फिर माफिया बनाम मठाधीश की लड़ाई छिड़ चुकी है। की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में जिसके ये पात्र है। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है ये। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? लोकसभा चुनाव में यूं तो बीजेपी यूपी में ढेर सीटें हार गई, समाजवादी पार्टी से भी पीछे रह गई, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस अयोध्या में मिला जहां राम मंदिर निर्माण के सहारे बीजेपी ने दशकों तक देश पर शासन का सपना संजोया था। अयोध्या की वो टीस अब भी बीजेपी को रह रहकर साल रही। उपचुनाव के पहले अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ के आक्रोश में इसका सबूत भी मिल गया। मिल्कीपुर के बहाने माफिया बनाम मठाधीश की सियासी लड़ाई नए सिरे से छिड़ गई।
अराजकता चरम पर इनके समय में थी और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे याद आते हैं कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया, समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडों ने जो जमीनें कब्जा की थी 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी, और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। दरअसल ये भाजपा ही रिपोर्ट है जो तैयार हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। सीएम योगी ने अयोध्या में जमीन घोटाले के समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज किया तो लगे हाथ अखिलेश यादव के शासनकाल को गुंडे माफियाओं का शासनकाल भी बताया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को माफियाओं का सरगना बताया तो अखिलेश यादव ने पूछ ही लिया कि जो भेड़ियों को नहीं पकड़ रहे उनसे जनता कोई और उम्मीद कैसे करे। एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, किस अन्नदाता किसानों के खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर दो लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिरी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही, क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था, तब ये केवल समाज को बांट रहे थे, तब ये जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे, तुष्टीकरण के अदों को पार कर रहे थे। आज तो हमारी अयोध्या और अयोध्या धाम से जुड़ा हुआ हमारा ये जनपद आज देश और दुनिया की सुर्खियों में है। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। बीजेपी को पता है कि जिस जाति जनगणना, संविधान और आरक्षण के नैरेटिव ने यूपी में कमल कुम्हलाया उसके नायकों को भी खलनायक साबित करना ही होगा, तभी तो योगी आदित्यनाथ की जबान पर दो लड़कों की जोड़ी भी आ ही गई। लेकिन अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी न सिर्फ हारेगी बल्कि इतनी बुरी तरह हारेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई हो। बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। सीएम योगी ने मिल्कीपुर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ के 37 योजनाओं का लोकार्पण कर उपचुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो किसी को भी पसंद नहीं आया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी योगी आदित्यनाथ की सोच पर सवाल उठाया, दलील ये कि वो अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।